Now we'll continue with types of SHM. So there are basically two types of SHM. एक होता है linear SHM and second है angular SHM. So when a particle moves to and fro about an equilibrium point along a straight line, correct, between two extreme positions, ठीक है, कैसा है, straight line, then it is called as linear SHM. If body or particle is free to rotate about a given axis, correct? So such oscillation is called as angular SHM, correct? तो linear SHM का example हम लोगों ने already देखा हुआ है, that is the spring mass system, और angular SHM का example will be a pendulum of a clock, ठीक है? ओके, नाउ विल स्टडी एनालिसिस ऑफ मोशन इन लीनियर SHM. तो लीनियर SHM हम लोग थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे. तो ये डायग्राम अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो. तो ये जो लीनियर SHM है, सेम एग्जांपल आई एम टेकिंग स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम जो थोड़ी देर पहले ड्रॉ किया था हम लोगों ने. सो दिस इज आवर इक्विलिब्रियम पोजिशन, ठीक है. इनिशियली ब्लॉक इज ओवर हियर. सो इस पोजीशन को लेबल करता हूँ पोजीशन ए, करेक्ट. तो ब्लॉक अगर हम लोग राइट में खींचेंगे एंड देन इफ इट इज रिलीज्ड तो क्या होगा, स्प्रिंग विल पुल बैक द ब्लॉक टुवर्ड्स मेन पोजीशन. तो टेम्परेरली इस फोर्स को हम लोग नाम क्या देंगे, माइनस के एक्स, करेक्ट है. तो इनिशियली ये जो ब्लॉक है इट इज रिलीज्ड, मतलब इट इज स्ट्रेच्ड टुवर्ड्स राइट and it is released from this position B. तो motion कैसे होगा, it will go from B to A, correct. जब वो B to A जाएगा तब क्या होगा, उसका kinetic energy increases, correct है. Okay, इसके बाद it overshoots, मतलब it will move आगे because of inertia, spring will get compressed और ये जो काइनेटिक एनर्जी है दैट विल बी कन्वर्टेड टू पोटेंशियल एनर्जी. सो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस एंड इट्स स्लो डाउन फ्रॉम ए टू दिस पोजीशन सी. तो जैसे ही वो सी पोजीशन पर आएगा स्प्रिंग इज कम्प्लीटली कॉम्प्रेस्ड. तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज कन्वर्टेड टू पोटेंशियल एनर्जी. दिस ब्लॉक स्टॉप्स एट सी. यहाँ पर अगेन क्या होगा, अगेन दिस पोटेंशियल एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन द स्प्रिंग दैट इज कन्वर्टेड बैक टू काइनेटिक एनर्जी और ब्लॉक राइट में मूव करेगा विथ इंक्रीजिंग स्पीड, करेक्ट. तो फ्रॉम सी टू ए क्या होगा, स्प्रिंग एनर्जी इज कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी. तो जैसे ही वो बीच में रीच होगा काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम बिकॉज ऑफ इनर्शिया, इट विल मूव फॉरवर्ड, स्प्रिंग कॉम्प्रेस होगा and it will stop at B और फिर से it will move towards left towards A. समझ में आया, correct. So ये जो B and C points है these are called as extreme positions. So this is extreme positions, correct. मतलब oscillation जो हो रहा है वो ये दो points के बीच में हो रहा है और सेंटर में वी हैव आर इक्विलिब्रियम पोजीशन. क्लियर है यहाँ तक, ठीक है. तो ये जो पोजीशन है या ये जो मोशन है इसको वी विल डिवाइड इनटू पार्ट्स. तो कैसे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, फर्स्ट पार्ट विल बी फ्रॉम ए टू बी, करेक्ट, ऐसा फ्रॉम ए टू बी. देन पार्टिकल विल मूव फ्रॉम अगेन बी टू ए, फिर ए टू सी एंड अगेन बैक फ्रॉम सी टू A. So this is one complete motion, correct, one complete SHM, correct. और ये motion कैसा है, in straight line, correct. तो ये जो figure है इस figure में जो path है that is straight line, समझ में आ रहा है. So this is called as linear SHM, okay, ठीक है. तो ये जो motion है अभी थोड़ा सा और detail में स्टडी करते हैं. नाउ सी,
केस वन मोशन फ्रॉम, ठीक है, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया पूरे एक एस एच एम को वी हैव डिवाइडेड इनटू सम पार्ट्स. सो फर्स्ट केस वी विल स्टडी मोशन फ्रॉम ए टू बी. सो इनिशियली पार्टिकल इज एट ए, तो वो मीन पोजिशन है, करेक्ट. एंड नाउ पार्टिकल इज मूविंग टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, करेक्ट है. तो सपोज सेंटर में उसका स्पीड इज वी नॉट, करेक्ट. हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ है सेंटर में उसका स्पीड विल बी मैक्सिमम, और ये जो एक्सट्रीम पोजिशंस है वहाँ पर उसका स्पीड कितना होगा, जीरो. इट विल स्टॉप एंड चेंज इट्स डायरेक्शन. तो इक्विलिब्रियम पोजिशन में यहाँ पर वी हैव मैक्सिमम स्पीड, करेक्ट. मैक्सिमम स्पीड कब होगा, व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो. और एक्सट्रीम पोजिशन पे स्पीड विल बी जीरो. सो दीज एक्सट्रीम पोजिशंस, करेक्ट, इनका डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजिशन इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड, करेक्ट है. तो यहाँ पर आई विल जस्ट डिनोट बाय ए एम पी, अदरवाइज वो पॉइंट ए और ये डिस्टेंस ए में कन्फ्यूजन होगा, करेक्ट. सो डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजिशन ऑफ एक्सट्रीम पोजिशन इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड, ओके. सो व्हेन पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी, तो ए पर उसका स्पीड कितना है, मैक्सिमम, विच इज वी नॉट, करेक्ट. व्हेन पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स बी, फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स ए, सही है ना. रीस्टोरिंग फोर्स एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने, व्हेन पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स राइट, रीस्टोरिंग फोर्स कहाँ पे एक्ट होगा, लेफ्ट में एक्ट होगा. रीस्टोरिंग फोर्स का मीनिंग क्या था, फोर्स विच इज एक्टिंग टुवर्ड्स मीन पोजिशन. तो ये जो फोर्स है हमेशा मीन पोजिशन की तरफ एक्ट होगा. तो पार्टिकल अगर राइट की तरफ मूव हो रहा है, फोर्स कहाँ पर है, लेफ्ट की तरफ. एंड व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, या फिर फोर्स का वैल्यू कितना होता है, हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ है, फोर्स इज माइनस के एक्स, करेक्ट है, इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, सही है, ठीक है. सो एज पार्टिकल मूव्स अवे फ्रॉम मीन पोजिशन एक्स क्या होगा, एक्स इंक्रीजेस, बराबर है ना. जैसे जैसे पार्टिकल राइट की तरफ मूव होगा एक्स क्या होगा, इंक्रीज होगा. व्हेन एक्स इंक्रीजेस ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है दैट ऑल्सो इंक्रीजेस, करेक्ट. सो इफ रीस्टोरिंग फोर्स इंक्रीजेस एक्सेलरेशन विल इंक्रीज, समझ में आ रहा है, करेक्ट. तो फोर्स कहाँ पर है, लेफ्ट की तरफ है, करेक्ट. तो एक्सेलरेशन भी कहाँ पर होगा, लेफ्ट की तरफ. तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं यहाँ पर. सो व्हेन पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी, वेलोसिटी का डायरेक्शन कहाँ पर है, राइट की तरफ है, करेक्ट. और वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, या फिर स्पीड इज डिक्रीजिंग, करेक्ट. डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज टुवर्ड्स राइट, और स्पीड क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है फ्रॉम दिस क्वांटिटी वी नॉट टू जीरो, समझ में आ रहा है, ठीक है. अभी एक्सेलरेशन चेक करो, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया एज वी मूव टूवर्ड्स राइट एक्स इंक्रीजेस, देयर फोर रीस्टोरिंग फोर्स इंक्रीजेस, करेक्ट. रीस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, टूवर्ड्स लेफ्ट. सो एक्सेलरेशन विल ऑल्सो बी टूवर्ड्स लेफ्ट, करेक्ट, टूवर्ड्स मीन पोजिशन. एंड एज फोर्स इंक्रीजेस एक्सेलरेशन विल ऑल्सो गो ऑन इंक्रीजिंग, करेक्ट. तो जैसे ही हम लोग एक्सट्रीम पोजिशन पर रीच करेंगे तो जो एक्सेलरेशन होगा दैट विल रीच टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू, सही है, समझ में आ रहा है, ठीक है. नाउ फ्रॉम बी टू ए, तो बी टू ए चेक करो. व्हेन पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम बी टू ए, मतलब ये ऐसे बी से लेके ए तक, करेक्ट, फ्रॉम राइट एक्सट्रीम टूवर्ड्स मीन पोजिशन. तो अभी क्या होगा, इनिशियली पार्टिकल इज एट नाउ बी, तो बी पे वेलोसिटी कितना है उसका, जीरो. एंड व्हेन इट रीचेस ए इट बिकम्स वी नॉट विच इज मैक्सिमम, करेक्ट. सो व्हेन पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम बी टू ए तो वेलोसिटी विल बी टूवर्ड्स लेफ्ट, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड क्या हो रहा है, इंक्रीजेस, बराबर, ठीक है, ओके. फिर से एक बार डायग्राम चेक करो.
व्हेन पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम बी टू ए, तो सपोज पार्टिकल यहाँ पर है, इट इज मूविंग फ्रॉम बी टू ए, पार्टिकल इज ओवर हियर, पार्टिकल अभी भी कहाँ पर है, टूवर्ड्स राइट ऑफ इक्विलिब्रियम पोजिशन, तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या करता है, पार्टिकल को इट ट्राइज टू ब्रिंग टूवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजिशन, मतलब अभी भी जो फोर्स एक्ट होगा पार्टिकल पे वो कहाँ पर एक्ट होगा, टूवर्ड्स लेफ्ट, मतलब टूवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजिशन। तो इफ फोर्स इज एक्टिंग टूवर्ड्स लेफ्ट, सो एक्सिलरेशन विल ऑल्सो बी एक्टिंग टूवर्ड्स लेफ्ट। नाउ व्हेन पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम बी टू ए, डिस्प्लेसमेंट डिक्रीजेस, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजिशन, सो मीन पोजिशन से उसका डिस्टेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो फोर्स मैग्नीट्यूड डिक्रीजेस, तो एक्सेलरेशन विल ऑल्सो गो ऑन डिक्रीजिंग, कब तक डिक्रीज होगा, टिल इट रीचेस मीन पोजिशन, सो मीन पोजिशन पे एक्सेलरेशन जो होगा दैट इज मिनिमम, करेक्ट, मिनिमम मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू जीरो, बिकॉज एट मीन पोजिशन एक्स इज इक्वल टू जीरो, फोर्स इज इक्वल टू जीरो, समझ में आ रहा है, करेक्ट है, कंटिन्यू करूँ, ओके, नेक्स्ट पार्ट थर्ड, फ्रॉम ए टू सी, अभी ए टू सी क्वालिटेटिवली सेम मोशन है एज ए टू बी, करेक्ट, इसके लिए लॉजिक तुम लोग खुद लगा सकते हो, करेक्ट, आई विल गिव यू सम टाइम, वीडियो को पॉज करो, और ए टू सी और सी टू ए, इसके लिए मुझे खुद से लिख के बताओ व्हाट इज वेलोसिटी का डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड एंड एक्सेलरेशन का डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, सो पॉज दिस वीडियो, एक बार खुद टेबल फिल करो और देन प्ले दिस वीडियो अगेन। ओके, तो करो कंटिन्यू, ठीक है, सो व्हेन पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम ए टू सी, वेलोसिटी तो लेफ्ट की तरफ है और वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, फोर्स कहाँ पर है, टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजिशन, बराबर, व्हेन पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम ए टू सी, पार्टिकल इज टुवर्ड्स राइट, फोर्स विल बी टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजिशन, मतलब राइट, सो एक्सेलरेशन विल बी टुवर्ड्स राइट, और एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज होगा बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज इंक्रीजिंग। सिमिलरली फ्रॉम सी टू ए, ठीक है, पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम सी टू ए, मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन विल बी टुवर्ड्स राइट, करेक्ट, और स्पीड क्या हो रहा है, इट इज इंक्रीजिंग, अभी भी रिस्टोरिंग फोर्स इज टुवर्ड्स मीन पोजिशन, मतलब एक्सेलरेशन विल बी टुवर्ड्स राइट, करेक्ट, एंड डिस्प्लेसमेंट इज डिक्रीजिंग, देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन विल बी डिक्रीजिंग। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। तो पूरे लीनियर एसएचएम को वी हैव डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स, ओके, सो वील ऑल्सो सी व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसएचएम। तो सबसे पहले मीन पोजीशन, तो मीन पोजीशन का मीनिंग क्या होगा, यहाँ पर इट इज पोजीशन वेयर नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज जीरो, याद रखो मीन पोजीशन क्या होगा, दैट पोजीशन वेयर नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज जीरो। तो मैं ये जो बोल रहा हूँ थियरी, इसको लिख लो अच्छे से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके, मतलब रिविजन में हेल्प होगा, करेक्ट, सो मीन पोजिशन इज द पोजिशन वेयर नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज इक्वल टू जीरो, सही है, ओके, एक्सट्रीम पोजिशन का डेफिनेशन क्या होगा, देखो यहाँ पर एक्सट्रीम पोजिशन पे क्या जीरो हो रहा है, स्पीड जीरो हो रहा है, करेक्ट, ठीक है, सो एक्सट्रीम पोजिशन का डेफिनेशन होगा पॉइंट वेयर स्पीड ऑफ द पार्टिकल बिकम्स जीरो, ठीक है, अंडरस्टैंड करो, बिकॉज प्रॉब्लम में क्या होगा, वो लोग पूछेंगे कि एट व्हाट पोजिशन या एक्स इक्वल टू व्हाट पोजिशन देयर इज एक्सट्रीम पोजिशन और मीन पोजिशन, तो सिर्फ इतना ही करना है कि अगर मीन पोजिशन पूछा है तो फोर्स इक्वल टू जीरो करो, तो एक्स का जो वैल्यू आएगा दैट इज मीन पोजिशन, अगर एक्सट्रीम पोजिशन पूछा है सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ एक्सट्रीम पोजिशन, स्पीड शुड बी इक्वल टू जीरो, तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा उसको जीरो कर लो, दैट विल बी एक्सट्रीम पोजिशन, करेक्ट, और डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या करना है, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, इट इज डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल, तो ये जो पार्टिकल है
इसका डिस्टेंस कहाँ से? फ्रॉम मीन पोजिशन। हमेशा याद रखो, किसी भी SHM के फॉर्मूलेज में वेन एवर वी आर यूजिंग एक्स, वो जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज ऑलवेज फ्रॉम मीन पोजिशन। स्टार मार्कर के रखो, करेक्ट। एक्स इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजिशन एट दैट इंस्टेंट, समझा? ओके। एम्पलीट्यूड तो तुमको पता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजिशन इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। मतलब ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये विल बी एम्पलीट्यूड। मतलब मीन और एक्सट्रीम पोजिशन के बीच का डिस्टेंस इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड, करेक्ट है? ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, जो थ्योरी हम लोगों ने स्टडी किया है, ऑन दैट वी विल स्टडी सम एप्लीकेशन। ओके। सो प्रॉब्लम कुछ ऐसा होगा कि डिस्क्राइब द मोशन ऑफ पार्टिकल एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स। ओके। सो वी हैव टोटल फोर एग्जाम्पल्स, तो एक एग्जाम्पल आई विल सॉल्व, उसके बाद वीडियो को पॉज करो एंड ट्राई टू सॉल्व नेक्स्ट थ्री एग्जाम्पल्स ऑन योर ओन, करेक्ट? ठीक है। सो डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द पार्टिकल मीन्स वी हैव टू फाइंड वेदर इट इज परफॉर्मिंग SHM और नॉट, ठीक है? ओके। सो फर्स्ट थिंग इज, पहले हम लोग फाइंड करेंगे वेयर इज द मीन पोजिशन ऑफ द पार्टिकल। तो मैंने क्या एक्सप्लेन किया था डेफिनेशन में, मीन पोजिशन हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? एट मीन पोजिशन नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज जीरो, करेक्ट? तो फर्स्ट एग्जाम्पल में फोर्स इज गिवन 3x+3, सो आई कैन राइट, आई नो दैट एट मीन पोजिशन नेट फोर्स एक्टिंग विल बी इक्वल टू जीरो। सो फोर्स एक्टिंग इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो जीरो, तो ये क्या होगा, जीरो इक्वल टू 3x+3, सो एक्स इक्वल टू -1, करेक्ट? सो दिस इज मीन पोजिशन ऑफ द पार्टिकल, करेक्ट है? ठीक है। सो आई विल ड्रॉ डायग्राम इस एग्जाम्पल के लिए, तो थोड़ा सा क्लियर होगा, ठीक है? ओके। सो दिस इज आर एक्स एक्सिस, मीन पोजिशन सपोज इज ओवर हियर, एक्स इक्वल टू -1, दिस इज आर मीन पोजिशन, करेक्ट? सो नाउ विल टेक एनी रैंडम पॉइंट ऑन राइट हैंड साइड ऑफ दिस मीन पोजिशन। तो सपोज आई टेक दिस पॉइंट एज एक्स इक्वल टू जीरो, करेक्ट? मीन पोजिशन के राइट साइड पर एक पॉइंट लिया एक्स इक्वल टू जीरो। सब्स्टिट्यूट एक्स इक्वल टू जीरो इन द फॉर्मूला फॉर फोर्स, तो फोर्स कितना आएगा यहाँ पर, फोर्स विल बी एक्स इक्वल टू जीरो सब्स्टिट्यूट करो तो इट विल बी 3 न्यूटन, करेक्ट? सो +3 न्यूटन मीन्स दिस फोर्स इज एक्टिंग टूअर्ड्स राइट साइड, करेक्ट? सिमिलरली लेफ्ट साइड पर अगेन टेक एनी रैंडम पॉइंट, तो क्या होगा, एक्स इक्वल टू कौन सा पॉइंट लू, -2 इजी होगा, करेक्ट? सब्स्टिट्यूट एक्स इक्वल टू -2 इन द फॉर्मूला फॉर फोर्स, तो फोर्स इक्वल टू कितना आएगा, कैलकुलेशन चेक करो, सब्स्टिट्यूट करो, एक्स इक्वल टू -2, करेक्ट? तो कैलकुलेशन विल बी -6+3, सो इट विल बी -3 न्यूटन, करेक्ट? सो -3 न्यूटन मतलब फोर्स विल बी टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, करेक्ट? तो एज यू कैन सी फ्रॉम डायग्राम, जो फोर्स है दैट इज नॉट एक्टिंग टूवर्ड्स मीन पोजिशन, करेक्ट? फोर्स इज अवे फ्रॉम मीन पोजिशन। लेकिन SHM का डेफिनेशन क्या था, इन SHM फोर्स शुड बी एक्टिंग टूवर्ड्स मीन पोजिशन। सो फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड दैट पार्टिकल डज नॉट परफॉर्म SHM। कॉन्सेप्ट समझ में आया? ठीक है। आई रिपीट अगेन, फर्स्ट स्टेप हम लोग क्या फाइंड करेंगे, वी विल फाइंड वेयर इज मीन पोजिशन या इक्विलिब्रियम पोजिशन। कैसे फाइंड करेंगे, जो भी फॉर्मूला गिवन है इक्वेशन उसमें सब्स्टिट्यूट एफ इक्वल टू जीरो, तो हमें मिला मीन पोजिशन। सो टेक पॉइंट ऑन राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, टेक एनी पॉइंट और फाइंड करो व्हाट विल बी
मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स एट दोज पॉइंट्स. करेक्ट. इफ फोर्स इज एक्टिंग टूवर्ड्स मीन पोजिशन देन इट इज SHM. सही है. करेक्ट. इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करो. ओके. एंड देन सॉल्व दीज थ्री प्रॉब्लम्स, क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4. करेक्ट. खुद से सॉल्व करो, पॉज दिस वीडियो. करेक्ट. और बाद में अपने आंसर्स क्रॉस चेक कर लो. ठीक है. आई विल वेट. ओके. तो जल्दी जल्दी अब इसके सॉल्यूशंस कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 चेक करो. सब्स्टिट्यूट f इक्वल टू 0, देयर फोर एक्स का वैल्यू कितना आएगा बताओ जल्दी. x इक्वल टू -1. करेक्ट है. सो दिस विल बी आर मीन पोजिशन. सो डायग्राम कैसे होगा. सो मीन पोजिशन इज एट x इक्वल टू -1. टेक 1 पॉइंट टूवर्ड्स राइट साइड, x इक्वल टू 0. सब्सिट्यूट x इक्वल टू 0 इन फोर्स. तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना आएगा चेक करो. -3. ठीक है. तो -3 मतलब कहाँ पर, टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड. टेक पॉइंट टूवर्ड्स लेफ्ट ऑफ मीन पोजिशन. करेक्ट. ये मीन पोजिशन था अपना, तो लेफ्ट साइड पे एक पॉइंट लेते हैं. x इक्वल टू -2. सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू -2 इन फॉर्मूला फॉर फोर्स, जो भी इक्वेशन गिवन है सब्स्टिट्यूट करो. तो कैलकुलेशन कितना आएगा, +3. एम आई करेक्ट. ठीक है. सो फोर्स इक्वल टू +3, दैट मीन्स फोर्स विल बी टूवर्ड्स राइट हैंड साइड. तो एज यू कैन सी फ्रॉम डायग्राम, फोर्स दोनों तरफ से इज एक्टिंग टूवर्ड्स मीन पोजिशन. करेक्ट है. देयर फोर पार्टिकल इज परफॉर्मिंग SHM. समझ में आ रहा है. करेक्ट. ओके. सो कोई भी केस अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे लेंगे, फोर्स विल बी एक्टिंग टूवर्ड्स मेन पोजिशन. करेक्ट. कैलकुलेशन के लिए बीच में इफ यू वॉन्ट पॉज वीडियो, खुद से कैलकुलेशन करो और फिर क्रॉस चेक करो आंसर को. ठीक है. प्रॉब्लम 3 चेक करो. इन प्रॉब्लम 3 अगेन सब्स्टिट्यूट f इक्वल टू 0. करेक्ट. व्हेन यू सब्स्टिट्यूट f इक्वल टू 0, जल्दी से बताओ x कितना आएगा. x इक्वल टू 1. करेक्ट. सो दिस इज आर मीन पोजिशन. सो अगेन I'll draw लाइन. करेक्ट. तो x इक्वल टू 1 इज आर मीन पोजिशन. टेक पॉइंट ऑन राइट साइड, वी विल टेक x इक्वल टू 2. सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 2 इन फोर्स. फोर्स कितना आएगा, -3. नेगेटिव, दैट मीन्स इट इज टूवर्ड्स लेफ्ट. देन टेक लेफ्ट हैंड साइड पे कोई भी रैंडम पॉइंट x इक्वल टू 0. सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 0, तो फोर्स कितना आएगा, 3, दैट इज टूवर्ड्स राइट. करेक्ट. सो फोर्स इज ऑलवेज टूवर्ड्स मीन पोजिशन, देयरफोर पार्टिकल विल परफॉर्म SHM. सही है. समझ में आ रहा है. लास्ट प्रॉब्लम, फोर्स इक्वल टू 0, देयरफोर x कितना आएगा, x विल बी इक्वल टू अगेन 1. ड्रॉ लाइन. x इक्वल टू 1 इज आर मीन पोजिशन. टेक 1 पॉइंट ऑन राइट साइड. राइट साइड पे कौन सा पॉइंट लू, x इक्वल टू 2. ठीक है. तो फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करो, x इक्वल टू 2, तो कितना होगा, f इज +3. सो फोर्स इज टूवर्ड्स राइट. एक लेफ्ट में पॉइंट x इक्वल टू 0, सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 0, फोर्स कितना आएगा, -3, मतलब टूवर्ड्स लेफ्ट. सो एज फोर्सेज आर अवे फ्रॉम मीन पोजिशन, देयर फोर इट इज नॉट परफॉर्मिंग SHM. सही है. समझ में आ रहा है. ठीक है. वेरी गुड.